नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मैंने अपने चूहे को दूध दिया है पीने के लिए। आप कटोरी में देखेंगे तो दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम है। कम का रीज़न ये है कि ज़्यादा जब दे देता हूँ इनको तो ये पीते नहीं बल्कि छोड़ के चले जाते हैं। और ये चूहा मेरा बहुत खूबसूरत चूहा है। इसके साथ ऊपर वाले ने ऐसा कर्म किया कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसका पीछे वाला एक पैर नहीं था, बिना पैर के ये चल रहा था, जो भी चीज़ें थी बिना पैर के ही काम हो रहे थे इसके जो भी। उसके बाद से इसका पीछे वाला पैर अचानक से काम करना बंद कर दिया, कहीं दबाव हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, बस अचानक से बंद कर दिया पीछे वाला दूसरा पैर भी काम करना। उसके साथ ही साथ इसकी आवाज़ भी निकलती थी पहले, मतलब चिल्लाता उलाता था, अगर इसको पकड़े उड़ेंगे तो चिल्लाता उलाता था। बाद में इसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो जब से डिपेंड हुआ मेरे ऊपर तो मैं इसकी काफ़ी केयर करता हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई यार हो, उस तरह से मैं इसकी केयर करता हूँ। यहाँ तक कि हफ्ते में एक बार मैं इसका कान भी साफ करता हूँ माचिस की तीली लेके। बहरहाल इसका पेट अपने आप पतन कैसे फूल गया था, फूलते फूलते काफी ज्यादा ये मोटा हो गया था। मुझे लगा बच्चा है पेट में, लेकिन बच्चा नहीं था। तो ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद हुआ यूं कि अभी लगभग 2-3 महीने पहले इसका भी डेथ हो चुका। तो फिर ये मुझे काफ़ी तकलीफ़ दिया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अलग चूहा था। तो बाकी मैंने इसको फिर पास में नदी है वहीं जाकर मैंने बहा दिया इसको। और ये चूहा मुझे काफ़ी याद आता है। करीब 40 चूहे मेरे पास रहे हैं, लेकिन उसमें से 5-6 चूहे जो है मुझे हमेशा याद आते हैं, जो भी हैं या जो नहीं हैं वो भी।